गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम सब लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं और ये जो नया चैप्टर है ये आपका है चैप्टर नंबर 5। सो चैप्टर नंबर 5 में आप क्या पढ़ेंगे, लाइंस और एंगल्स के बारे में। ठीक है, लाइंस के बारे में आपको पता है, 6th क्लास में आपने पढ़ा भी है, लेकिन हम एक बार फिर से उसको रिवाइज करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात आती है लाइंस एंड एंगल्स में, लाइंस की। तो लाइन के भी पहले एक चीज और जरूरी है जो है पॉइंट। पॉइंट यहां हम कैसे लगाते हैं, जो आपकी पेंसिल की या पेन की टिप है, जब आप उसको कागज पर रखते हो तो वहां पर एक इस तरह का साइन बन जाता है, ये कहलाता है पॉइंट। ये जो पॉइंट है ये किस चीज के लिए यूज होता है, ये होता है लोकेशन बताने के लिए। जैसे आप मैप देखते हो, मैप में कई जगह पर ऐसे पॉइंट लगे होते हैं और उसके साइड में उनका प्लेसेस का नाम लिखा होता है, तो वो जो प्लेसेस का नाम लिखा होता है उन जगहों की जो लोकेशन है वो बताने के लिए मैप में हम ये पॉइंट्स का यूज करते हैं। तो ये लोकेशन को बताता है और इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी डी, किसी भी आप अल्फाबेट से इसको डिनोट कर सकते हैं, कैपिटल अल्फाबेट से। देन है रे। रे क्या होती है, ये भी आप पढ़ चुके हो लेकिन हम रिवाइज कर रहे हैं। वन एंड पॉइंट, जिसका एक एंड पॉइंट हो या इनिशियल पॉइंट हो, जहां से वो शुरू होती है बस वो पॉइंट हो। जैसे यहां पर ये इनिशियल पॉइंट है ए, और बाकी हमने रे को इस तरह से रखा है ताकि हम इसको इनफाइनाइट तक पढ़ा सकते हैं। तो जिस भी डायरेक्शन में चाहें, इस डायरेक्शन में चाहेंगे तो इस डायरेक्शन में भी पढ़ा सकते हैं, दोनों डायरेक्शन में हम उसको रे को हम अगर हम इस तरह से लिखते हैं तो ये जो रे है ये इस डायरेक्शन में जा रही है। ठीक है, और यहां पर ये इनिशियल पॉइंट हो जाएगा। तो रे को हम किसी एक डायरेक्शन में, चाहे इस तरफ चाहे इस तरफ, ठीक है, दोनों डायरेक्शन में नहीं बढ़ा सकते, चाहे एक साइड में कहीं भी हम इसको इनफाइनाइट तक बढ़ा सकते हैं। और इसका एक इनिशियल पॉइंट होता है और इसको हम ए बी और इस तरह से एरो साइन से डिनोट करते हैं, जिसमें ये होता है इनिशियल पॉइंट और ये एक्सटेंडेड। अब आती है लाइन। लाइन कैन बी एक्सटेंडेड बोथ साइड्स। लाइन को हम दोनों साइड में, इस साइड में भी और इस साइड में भी, यानी ए और बी पॉइंट उसके बीच में कहीं रहते हैं लेकिन हम उसको दोनों साइड में एक्सटेंड करते हैं तो हम इसको कहते हैं कि लाइन है। ठीक है, अब लाइन सेगमेंट, इसको हम जब डिनोट करते हैं लाइन को तो दोनों साइड में एरो बनाते हैं, ठीक है, ताकि ये हमें पता चले कि ये लाइन है। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, जिसके टू एंड पॉइंट्स हो, मींस आप इस लाइन में से कोई भी लाइन मान लीजिए इस तरह से है, इस लाइन में हम ये दो पॉइंट यहां पर लेते हैं ए और बी, तो जब हम इतना पार्ट लेंगे डेफिनेट डिस्टेंस, ठीक है, मतलब एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे जब हम दो पॉइंट्स को लेंगे तो वो कहलाएगा लाइन सेगमेंट। ठीक है, अब इसके बाद यहां पर बात आती है एंगल की। एंगल क्या होता है, आपने पढ़ा है एंगल क्या होता है। ठीक है, तो किसी भी एक पॉइंट पर हम देखते हैं कि कोई भी एक इनिशियल मीटिंग पॉइंट होता है। अगर टू रेज हैं इस तरह से और उनका कोई भी एक इनिशियल मीटिंग पॉइंट है, जैसे ये है, तो यहां पर जो बनेगा दैट इज कॉल्ड एंगल, है ना, तो ये एंगल होता है। तो दो इनिशियल एक इनिशियल पॉइंट और दो रेज मिलकर के एंगल बनाते हैं और उनका जो इंटीरियर होता है इसको हम एक्सटेंड कर सकते हैं, क्योंकि हम रे को एक्सटेंड कर सकते हैं ना, इसलिए हम इसका जो इंटीरियर होता है उसको भी हम इनफाइनाइट तक एक्सटेंड कर सकते हैं। अब ये जो एंगल है ये कई तरह के हैं। एक तो फर्स्ट एंगल होता है, जो होता है हम इस तरह से समझ सकते हैं, एक हम सर्कल लेते हैं, ये जो सर्कल है इस सर्कल में हम इसके फोर पार्ट करते हैं। ठीक है, तो ये जो फोर पार्ट हैं, इसमें यहां जीरो से स्टार्ट होता है। जैसे आपने, आपके पास अगर कोई इस तरह का प्रोटेक्टर है, सर्कल प्रोटेक्टर, तो उसमें आप देख लोगे और उसमें आपको समझ में भी आ जाएगा कि ये जो स्टार्टिंग पॉइंट है इसका, ये जीरो से स्टार्ट हुआ, यहां ये 90 है, यहां 180 है और यहां 270 है और
270 है और यहां पर 360, फिर जीरो जहां आएगा अगर एक पूरा कंप्लीट हो गया तो ये 360 हो जाएगा। तो दिस 360 जो कि एक जीरो से लेकर के पूरा फिर जीरो तक पहुंच जाता है, ये एंगल कहलाता है 360 डिग्री का, इसको हम कहते हैं कंप्लीट एंगल। ठीक है, क्योंकि एक पूरा राउंड लेकर के पूरा सर्कल ये कंप्लीट कर रहा है, ये इस प्रोटेक्टर में आप देख सकते हो। ठीक है, अब उसके बाद है रिफ्लेक्स एंगल। कोई एंगल जो 180 डिग्री से ज्यादा है और यहां हम देख रहे हैं कि यहां 270 से कम है, ठीक है, तो ये हमको ये कौन सा एंगल कहलाएगा, मतलब ये यहां से लेकर यहां तक काउंट होगा ये पूरा एंगल। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्स एंगल, मतलब 180 डिग्री से ज्यादा। और फिर आता है 180 डिग्री का एंगल, मतलब ये यहां तक ये वाला एंगल, ये पूरा एंगल जो होगा ये 180 डिग्री का होगा। ठीक है, तो इसको हम कहेंगे चूंकि एक सीधी स्ट्रेट लाइन में है इसलिए हम इसको कहेंगे स्ट्रेट एंगल। फिर ये जो एंगल है ये 90 डिग्री का है, ये वाला एंगल। ठीक है, तो इस एंगल को यानी ये 1/4 पार्ट है। ठीक है, तो ये 1/4 पार्ट हो गया राइट एंगल, और जब हाफ लेंगे तो 180। ठीक है, 3/4 लेंगे तो उसमें 3/4 में रिफ्लेक्स एंगल आएगा, और पूरा हम लेंगे द होल सर्कल इज कंप्लीट एंगल। ठीक है, फिर ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, जो मोर देन कितना हो 90 और 180 के बीच में हो, 90 से बड़ा हो 180 के बीच में हो, ये कहलाता है ऑब्ट्यूज एंगल। ठीक है, 90 से बड़ा 180 से छोटा। और एक्यूट एंगल कौन सा होता है, जो लेस देन 90 हो, 90 से कम वाला। ठीक है, अब आप एंगल कैसे बनाएंगे ये आपको पता होगा, आपने 6 में सीखा होगा, लेकिन फिर मैं एक बार बता रही हूं कि ये जो आपके पास प्रोटेक्टर है, हाफ प्रोटेक्टर भी है तो हाफ प्रोटेक्टर भी आप ले सकते हो, और ये फुल प्रोटेक्टर है तो इसको भी आप यूज कर सकते हो। तो ये प्रोटेक्टर आप इस तरह से, मान लीजिए आपको एंगल फॉर्म करना है तो पहले तो आप स्केल से सीधी लाइन खींचो। ठीक है, इसके बाद आप इसके इनिशियल पॉइंट पर इसको रखेंगे। ठीक है, और यहां जो लाइन है उस लाइन से इसकी जो इनिशियल लाइन है उसको मैच करेंगे। मींस अगर जीरो हम ले रहे हैं, जीरो से लेना है हमको, तो हमने यहां ये बीच में रखा, ये यहां पर जीरो है। ठीक है, जीरो हम यहां लेते हैं। अब इसके बाद को आपको जो भी एंगल फॉर्म करना है, मान लीजिए आपको कौन सा एंगल फॉर्म करना है, आपको मान लीजिए 40 का एंगल फॉर्म करना है। ठीक है, तो ये 40, तो यहां 40 पे आपने निशान लगाए, और इस 40 को आप क्या करोगे, स्केल से इसको हम स्केल से इस तरह से मिला देंगे, तो ये जो एंगल बनेगा ये 40 का एंगल बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से आप बाकी एंगल भी बना सकते हो और एंगल्स को आप मेजर भी कर सकते हो प्रोटेक्टर से। ठीक है, तो इसी प्रोटेक्टर का आपको यूज करना है। अब इसके बाद है आपका, अब आपका एक्चुअल जो लेसन है उसमें जो एंगल्स हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ एंगल्स, वो आपके स्टार्ट होते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, फर्स्ट एंगल है आपका कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन सा एंगल होता है, जो दो एंगल्स का सम जब 90 डिग्री हो, मतलब कोई भी दो एंगल, ठीक है, वो 90 डिग्री के हों दोनों मिला करके। ठीक है, 90 डिग्री के अंदर ये दोनों एंगल हैं और ये एक पॉइंट पर मिल रहे हैं। ठीक है, तो उनका इनिशियल पॉइंट सेम है और वो 90 डिग्री के अंदर है, तो वो कौन सा एंगल है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट आपका है सप्लीमेंट्री एंगल। तो सप्लीमेंट्री एंगल ऐसे एंगल्स होते हैं जो दो एंगल्स हैं लेकिन उनका जो एडिशन है वो कितना है, 180 डिग्री। यहां पर ये 45 के दो एंगल हैं तो 90 हो गए। ठीक है, एडिशन उनका 90 हो गया, तो ये क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब यहां पर 60 और 120 का दो एंगल है। ठीक है, तो इनका एडिशन क्या हो गया, 180 डिग्री। तो जो भी ऐसे एंगल जिनका एडिशन या जिनका सम 180 डिग्री हो वो कहलाते हैं सप्लीमेंट्री, और जिनका 90 हो सम वो कहलाते हैं कॉम्प्लीमेंट्री। अब एडजेसेंट एंगल, एडजेसेंट एंगल किस तरह के होते हैं, उनकी क्या प्रॉपर्टी होती है, ये आपको देखना है।
तो एडजेसेंट एंगल ऐसे होते हैं जिनका एक कॉमन वर्टेक्स होता है। देखो कॉमन वर्टेक्स तो यहां भी है और यहां भी है, ठीक है, तो ये जो है कॉमन वर्टेक्स इनमें भी होता है, और दे हैव अ कॉमन आर्म, कॉमन आर्म भी होती है एक, मतलब एक साइड उनका कॉमन होता है। तो एक तो इनिशियल पॉइंट हो गया, ये कॉमन आर्म होगी दोनों में, ठीक है, और द नॉन कॉमन आर्म आर ऑन आइदर साइड ऑफ द कॉमन आर्म, मतलब ये जो नॉन कॉमन आर्म्स हैं वो कहां होती हैं, जो ये कॉमन आर्म होती है उसके दोनों तरफ होती है। तो यहां पर इसी तरह से ये दो एंगल फॉर्म किए गए हैं, तो ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे, एडजेसेंट एंगल कहलाएंगे। ये क्यों कहलाएंगे, क्योंकि इनका एक इनिशियल पॉइंट है, मतलब सप्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल जो होते हैं वो एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, ठीक है, इससे हमको ये बात समझ में आ रही है। इसके बाद लीनियर पेयर, ये तो हो गया, यहाँ पे ये 90 भी हो सकता है, सप्लीमेंट्री कॉम्प्लीमेंट्री दोनों एंगल जो होंगे वो एडजेसेंट एंगल होंगे, क्योंकि उनमें कॉमन वर्टेक्स है, कॉमन आर्म है, और जो दूसरी आर्म्स हैं वो दोनों डिफरेंट साइड में है, जो कॉमन आर्म के डिफरेंट साइड में नॉन कॉमन आर्म है, जो ये दोनों आर्म है ये कॉमन नहीं है, ठीक है, इसके दोनों तरफ है। अब लीनियर पेयर, लीनियर पेयर क्या होता है, किस तरह के एंगल्स होते हैं लीनियर पेयर में, बस इसमें सिर्फ इतना ही होता है, ये भी एडजेसेंट एंगल ही होते हैं, लेकिन इनके साथ एक चीज होती है कि इनका जो नॉन कॉमन साइड होते हैं वो अपोजिट रेज होती है, मतलब नॉन कॉमन साइड मतलब एक तो कॉमन होगा, ठीक है, लीनियर पेयर में एक कॉमन होगा। अच्छा लीनियर पेयर से एक चीज हमको समझ में आती है, लाइन, लीनियर यानी लाइन से रिलेटेड, तो आप ऐसे समझ लो कि एक सीधी लाइन है और उसके बीच में एक कॉमन आर्म है, तो दोनों एंगल जो बन रहे हैं दे आर कॉल्ड लीनियर पेयर, ठीक है, क्योंकि ये जो लाइन है इसमें दो अपोजिट रेज हैं, ठीक है, ये जो लाइन है ना इसमें अपोजिट रेज है, अपोजिट डायरेक्शन में रेज है, इसलिए यहां पर जो एंगल बनेंगे ये क्या हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, लीनियर पेयर, ठीक है। जैसे कि आप देखते हो पेन स्टैंड, देखा है आपने कभी घर में, आपके घर में एक पेन स्टैंड होता है, उसमें पेन इस तरह से लगा होता है, ऐसे कभी कभी देखा होगा कि इस तरह से पेन स्टैंड में पेन लगा होता है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों साइड में जो एंगल है इसके, यहां देख लो आप, ठीक है, इस तरह से पेन स्टैंड पे पेन लगा है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ये दोनों अपोजिट रे होगी, मतलब ये जो लाइन है इसमें इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड अपोजिट हो गई, तो क्या हो जाएगा, ये लीनियर पेयर हो जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट आपका है, एक आप इस तरह से देख सकते हो, जैसे आपके पास दो पेन है या आपके पास सीजर होगी, आपने सीजर देखी है ना, इस तरह से सीजर होती है, तो सीजर्स होती है वो किस तरह से होती है, इसमें ये जो है यहां पर आप देख रहे हो, एक तो ये एंगल और ये एंगल, और इधर वाला एंगल और ये दूसरा एंगल, इसको आप इस तरह से भी देख सकते हो, ये दो हमने क्रॉस कर दिए, जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, ठीक है, ये जब दो लाइन इंटरसेक्ट कर रही हैं, तो क्या होता है, यहां पर वर्टिकली अपोजिट एंगल फॉर्म होते हैं, और ये इक्वल होते हैं, इस ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ठीक है, जैसे सीजर में भी आप देखोगे, इसको आप इतना फैला लेते हो, ठीक है, इस तरह से आप फैला सकते हो, तो भी जितना भी आप फैलाओगे ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ये वाला एंगल इसके बराबर होगा, ठीक है, तो ये इंटरसेक्ट कर रही है लाइन। इसी तरह से आप इसमें देख सकते हो कि जब दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं, तो जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं ये वाले एंगल 1 2 3 4 1 2 एंगल और 3 4 एंगल, ये इक्वल होते हैं, मतलब यहां पर 1 इक्वल टू 2 और 3 इक्वल टू 4 होगा, ठीक है, और इसका एग्जाम्पल आपको सीजर मैंने बताया है, ठीक है, तो आज हम इतना ही करेंगे, और इसके बाद इसका जो क्विज है मैं आपको भेज रही हूं, तो आप उसको करेंगे, और इसके बाद हम टेस्ट भी लेंगे, ठीक है।